हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। हम अभी स्कूल जा रहे हैं और डोडो रिवा को भी स्कूल छोड़े हैं। देखिए डोडो भी तैयार हो चुकी है और रिवा, अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। देखिए मेरा ब्रेकफास्ट का नाश्ता जो होता है वो क्या है, हम क्या खाते हैं सुबह में। आप देखिए, ये है हमारा ऑनियन प्याज, ये है चना और ये है टमाटो। और रोटी के साथ हम सुबह में ब्रेकफास्ट में हम यही लेते हैं और ये सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, अच्छा है। और मेरा ये डेली का मुझे काफ़ी पसंद है और मुझे देख के मेरे बच्चे भी इस चीज़ को फॉलो करने लगे हैं। डोडो को ये चीज़ भी काफ़ी पसंद आता है खाने में। तो चलिए हम लोग अब ब्रेकफास्ट करते हैं। देखिए किस तरह से घर में रिवा मस्ती करती, देखिए पूरा अपना चेहरा पे आटा लगा ली है फेस पे और देखिए बंदर जैसा दिख रही है और काफी मस्ती करती। देखिए तीनों बार देखिए, घर में सारा दिन मस्ती करते रहती है सारा दिन। ओ बंदर देख, हाय कर दीजिए, हाय कर दीजिए, हाय, देखिए हाय कर रही है। तो देखिए हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और देखिए रिवा किस तरह से मस्ती कर रही है। देखिए पूड़ी बना हुआ है, पूड़ी है और रोटी है। पूड़ी डोडो रिवा को काफ़ी पसंद है और मेरा ये सलाद है। तो हम लोग अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नाश्ता करने के बाद हम लोग स्कूल के लिए निकलेंगे। देखिए रिवा को, बैक कर दीजिए उधर, देखिए यहाँ बंदर है, आप बदमाशी फैल करते रहते हो। देखिए मेरे साथ किस तरह से जीवा माओ माओ कर रही है, बंदर से दिख रही माओ माओ माओ। अरे और आटा लगा देते बेटा चेहरा पे, ज्यादा सुंदर दिखते। गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, गुड मॉर्निंग, हाथ हिला के चलो, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। हम गुड इवनिंग बोलेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ बेटा, क्या चीज था, डर लग रहा है आपको? नहीं उधर जाते घूमने, बहुत बदमाशी करते हैं आप ना। आपको देखा होगा ना चेहरा में आटा लगाए हुए, तो डर गया होगा इसलिए आपको डरा दिया। मम्मी और उधर जाना है, नहीं जाइएगा ना? हाँ उधर नहीं जाते, मुर्गी ज्यादा पकड़ने का मन करता आपको? मुर्गी तो डालती है जी, वह बहुत मुर्गी पकड़ती है। घर में दो मुर्गी है तो उसको देखती है और उसको दौड़ाते रहती है। तो मुर्गी अभी दौड़ा दी जीवा को, बस थोड़ी थोड़ी आ रही है मेरे पास। देखिए किस तरह से कर रही है। अभी मुर्गी काट लेता आपको, नहीं डरते बेटा? मुर्गी से डरते हैं आप, मुर्गी तो दौड़ाते हैं आप। जब हम इस तरह का भोजन करते हैं, कच्चा भोजन, उसमें एंजाइम की मात्रा ज़्यादा होती है और उसी के कारण हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाना पड़ता है खाना पचाने के लिए। तो आप अपने रूटीन में डेली में कुछ कच्चा भोजन जैसे सेव, टमाटर, प्याज, इस तरह का कुछ शामिल कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में। आपका सेहत भी काफ़ी अच्छा रहेगा और आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। तो मेरा डेली का यही रूटीन है, अगर घर में रहता है तो मैं इसी तरह का भोजन करता हूँ और अगर बाय द वे अगर नहीं हो पाता है तो मैं फिर सब्जी, रोटी, भुंजिया जो भी मिल जाए दूध के साथ, मेरा सबसे फेवरेट दूध भी, दूध रोटी भी काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, तो खा लेते हैं। क्योंकि घर में बच्चे हैं, तीन तीन बच्चे हैं तो बच्चों को भी देखना पड़ता है और उनके हिसाब से भी कुछ कुछ खाना पड़ जाता है। तो देखिए डोडो और रिवा अपना बैग लेके निकल पड़ी टिफिन लंच बॉक्स लेके और हम लोग अब चल रहे हैं स्कूल के लिए। हाँ बोलिए। देखिए रिवा किस तरह से अपना बोतल और लंच बॉक्स रखी हुई, आपका बैग चाहिए लीजिए, आपका बैग ये रहा, बैग में डाल दीजिए। तो रिवा खाने का बहुत शौकीन रखती है, शौक रखती है
उसको टिफिन स्कूल में जाती है, खाती है और सो जाती है। बस रीवा का भी फिलहाल अभी यही काम है। रीवा सिर्फ 3 साल की है। आगे सूटती है, लोग आगे सूटने का समय हो जाता है, तब उनको उठती है, तब खाती है। हाँ, तो पहले सो लेती है रीवा, एक बार जाके फिर उठ के खा लेती है, कोई खाए चाहे नहीं खाए रीवा खा लेती है, इसके बाद फिर उठ जाती है। फिर रीवा देखिए कैसे, देखिए हमारे पीछे डोडो किस तरह से झाड़ू मार रही है। डोडो घर का सारा काम करती है, सारा काम इस मतलब झाड़ू कर देती है। मम्मी का हम खाना खाते हैं तो बर्तन उठा के रख देती है, बर्तन निकाल देती है, बर्तन धो देती है, छोटा मोटा काम अभी से ही डोडो मम्मी का हेल्प करती है। पानी है वहाँ बेटा, पोछ लीजिए। देखिए किस तरह से, देखिए झाड़ू कितना अच्छे से लगाती है, साफ सफाई करती है। तो मैं चाहूँगा कहना कि बच्चों से जो भी काम होता है, अगर एक चम्मच उठाने लायक आपका बच्चा है या एक चम्मच उठा के आपको दे सकता है तो बच्चों से आप ज़रूर करवाएं। बच्चों से छोटा छोटा ही कार्य कराएं और सिखाएं उसे, और बच्चों की ज़्यादा मन की बात ना सुने। आप अगर बच्चों से पूछेंगे बेटा आज आपका मन क्या खाने का कर रहा है, बच्चा आपको आज क्या करने का मन कर रहा है, तो बच्चों का अगर ज़्यादा आप मन का सुनेंगे तो बच्चे मनमानी करने लग जाएंगे, और मनमानी करने में देरी नहीं लगता है बच्चों को। तो बच्चों से जहाँ तक हो, देखिए किस तरह से कितने प्यार से मार रही है झाड़ू, देखिए देखिए कितना अच्छे से सफाई कर रही है, देखिए 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 झाड़ू कर रही है। और इसी तरह रोज ऐसो डोडो मम्मा का हेल्प कर देती है, झाड़ू हमेशा कर देती है मम्मा का। मम्मा बोलती है कि बेटा झाड़ू लगा दीजिए ना, तो झाड़ू लगा देती है। और कभी कभी दो रीवा को और जीवा को भी डोडो संभालती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और डोडो सबसे बड़ी है तो थोड़ा सा ज़्यादा होशियार भी है, देखिए किस तरह से लगा रही है झाड़ू। और रीवा भी काम करती है, पर काम कम और बदमाशी ज़्यादा करती है। अभी रीवा छोटी है तो इसकी वजह से बात ज़्यादा सुनती नहीं है। देखिए डोडो को झाड़ू लगाते हुए किस तरह से झाड़ू, इसका झाड़ू पकड़ने का तरीका देखिए, बड़े ही प्यार से और अच्छे तरीके से पकड़ती है और लगाती है, देखिए। सो डोडो आई है, डोडो स्कूल से आ जाती है 11:30 बजे तक स्कूल से, और मेरा स्कूल का छुट्टी होता है 2:30 बजे तक हम घर आते हैं। तब तक बच्चे लोग आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, और इसके बाद जब हम आते हैं तब ये सो के इन लोग उठते हैं, फिर मेरे साथ इन लोग बैठ के तीनों बेटियाँ मेरे साथ खाना खाती हैं। देखिए झाड़ू का लगाया हुआ, देखिए डोडो का झाड़ू लगा हुआ, कितना फिनिशिंग के साथ कितना सुंदर से लगा देती है। तो बच्चे मम्मा का हेल्प करती है तो मम्मा काफ़ी खुश हो जाती है। और सभी बच्चों को इस तरह से, सभी अपनी अपनी बच्चियों को, सब बच्चों को अपनी मम्मा का हेल्प करना चाहिए, जो भी काम हो छोटा मोटा, जो भी थोड़ा थोड़ा हाथ बटाना चाहिए मम्मा के काम में। और काम बटाने से बच्चे धीरे 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 कब सीख जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो डोडो भी इसी तरह मम्मा को देखती थी, तो बर्तन लेके कैसे कुछ बर्तन गंदा सा तो लेके धोते रहती थी, झाड़ू देखती थी मम्मा करते हुए तो झाड़ू लेके ऐसे ऐसे करते रहती। पर धीरे धीरे डोडो का भी 5 साल, डोडो को 31 मई का जन्म है 2017 में। डोडो 5 साल और नवंबर वही 3-4 महीना ज़्यादा हो रहा है, 5.5 साल के आसपास में हो रहा है अभी डोडो का। तो डोडो काफ़ी कुछ समझती है, पढ़ाई भी मन लगा के करती है, और होमवर्क भी अपना अच्छे से करती है, काम भी मम्मा का करती है, और कभी कभी मम्मा से कुटाई भी खाती है। मम्मा अच्छे से कुटती भी है कि अगर कुछ अच्छे से काम नहीं कर, देखिए लगा रही झाड़ू। तो बच्चे अच्छे वही होते हैं जो मम्मा का पापा का जो बात मानते हैं सुनते हैं। और बच्ची का मन का बात ज़्यादा ना सुना करें, क्योंकि बच्चे मनमानी करने में देरी नहीं करते हैं, तो इसलिए बच्चे का मन का ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। अगर हम बोलेंगे डोडो को तो समझती है बात को और करती है। देखिए रीवा भी जस्ट नहा के आ रही है, मम्मा नहाने गई थी, देखिए कैसे हंस रही है, मेरे साथ अभी जा रही है। डोडो रीवा जीवा दोनों जा रही है, एक झूला पार्क लगा हुआ है, छोटा सा मिनी पार्क है, तो अभी देखिए चिल्ला रही है बाय बाय कर दीजिए, बाय बाय कर दीजिए, अरे बाय बाय कर दीजिए। हाँ देखिए देखिए रीवा भी तैयार हो चुकी है। कहाँ जा रहे हैं रीवा, कहाँ जा रहे हैं आप? पार्क जा रहे हैं। हाँ तो आप दोनों झाड़ू कर लिए और हमारे साथ पार्क जा रही है।